हेलो दोस्तों, ये चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। लर्निंग पीरियड के लिए ये न्यूमेरिकल आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्यू इक्वल टू एन ई, सवाल जो है आधारित है आज, अभी ये जो दो तीन सवाल हम बताएंगे वो क्यू बराबर एन ई पर आधारित है। क्यू बराबर एन ई, क्यू क्या चीज़ है? आवेश है। एन क्या चीज़ है? पूर्णांक संख्या है या इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कर सकते हैं। और ई क्या चीज़ है? मूल आवेश है। ई क्या चीज़ है? मूल आवेश है, जिसका मान क्या होता है? 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये आप लोग को समझना है, क्यू क्या चीज़ है? आवेश है। एन क्या चीज़ है? पूर्णांक संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ई क्या चीज़ है? मूल आवेश या इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। समझ में आ गया बात? यही फॉर्मूला से हम लोग को सवाल बनाना है। सवाल नंबर वन पर आ जाइए। कह रहा सवाल, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो आवेश का मात्रा क्या है? एक कूलम आवेश कितना है? एक कूलम। हमको निकालना है क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी एन। हमको निकालना क्या है? इलेक्ट्रॉन संख्या यानी एन। आप लोग जानते क्या है सूत्र? क्यू बराबर एन ई। क्यू बराबर एन ई या एन बराबर क्या? क्यू बाई ई। एन बराबर क्यू बाई ई। क्यू का मान क्या? एक कूलम। ई का मान क्या? तो ई आप लोग याद रखना पड़ेगा कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। सही है, आ जाइए। ये दशमलव जब हम उड़ाएंगे तो वो ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा? सुनना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 10/16 गुना 10 का पावर माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस 19। तो 10 का पावर 19 हो गया, 10/16 10 का पावर 19। इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, एक शून्य अगर इसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 100/16 10 का पावर हो जाएगा 18। 19 था ना, 19 हो जाएगा अब 18। 116 से भागा देंगे तो वो आएगा 6.25 गुना 10 का पावर 18। यानी एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है? 6.25 गुना 10 का पावर 18। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 गुना 10 का 18। अर्थात एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगा? 6.25 गुना 10 का पावर 18। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन यह कहता है कि 3.2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 3.2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? यहाँ पर Q आपको क्या है? 3.2 कूलम। चूँकि Q बराबर क्या होता है? NE होता है, या N बराबर क्या होगा? Q बाई E होगा। तो Q का मान क्या है? 3.2 कूलम, बट E का मान आप लोग को याद रखना पड़ेगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कूलम कूलम कट गया, 3.2 बट 1.6 और 10 का पावर माइनस 19, ऊपर गया तो प्लस 19। ये कट जाएगा, 16.2 उड़ गया, 16 × 2 = 32, 10 का पावर 19 यानी 2 × 10^19। 3.2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 2 × 10^19 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कुछ यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट सिंबल दिए हैं जिसका वैल्यू आप लोग को याद रखना है, न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही कारगर साबित होगा। एप्सिलॉन नोट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एप्सिलॉन नोट। इसका मान होता है 8.85 गुना 10 का पावर माइनस 12 न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2 कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है? 8.85 गुना 10 का पावर माइनस 12 न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2 कूलम स्क्वायर। दूसरा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान होता है 9 × 10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2। विद्युत बल, दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल कूलम ने दिया था, और ये सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 / r² 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 / r² और तीव्रता, विद्युत तीव्रता निकालने का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q / r². तीव्रता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q / r² तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 3। दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर है। दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी विद्युत बल ज्ञात करना है।
इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, क्यू वन हो गया माइनस 1.6 गुना 10^-19 कूलम, क्यू टू भी यही हो गया क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ही है, आर हो गया 1 मीटर। और विद्युत बल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 pi epsilon naught q1 q2 r² 1/4 pi epsilon naught का मान क्या होता है, 9 × 10^9 इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये होता है। q1 मान बिठा दिए, q1 का q2 मान भी बिठा दिए और r का मान क्या है, 1 1² लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1² क्या होता है, 1, तो 1 लिखना नहीं लिखना बराबर है, 9 × -1.6 × -1.6 और 10^ जोड़िए, -19 और -19 कितना हुआ, -38 में 9 निकाल दीजिए, -29 होगा। तो 9 × 1.6 × 1.6 करेंगे 23.04 × 10^-29 न्यूटन आएगा, ठीक है। तो ये आपको दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल हो गया। इस पर एक सवाल हम दे देते हैं आप लोग को, बनेगा तो बना लीजिएगा। दो प्रोटॉन के बीच की दूरी अगर 1 सेंटीमीटर है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, यानी विद्युत बल क्या होगा। अगेन रिपीट कर देते हैं, दो प्रोटॉन के बीच की दूरी अगर 1 सेंटीमीटर है तो विद्युत बल क्या होगा, ठीक है। ये सवाल रहा आप लोग के लिए। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन आते हैं, 1 अल्फा कण से 3 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, 1 अल्फा कण से 3 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 × 10^-19 कूलम, दूरी कितना है तो 3 मीटर, तीव्रता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये याद रखना पड़ेगा, E = 1/4 pi epsilon naught q/r². 1/4 pi epsilon naught का मान क्या होता है, तो 9 × 10^9, q का मान कितना है 3.2 × 10^-19, r का मान कितना है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 9 कट गया, 3.2 × 10^-19 में 9 जोड़ो -10, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, तीव्रता का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। इस पर एक सवाल दे देते हैं, एक दो सवाल है यहाँ पर हम दे देते हैं एग्जांपल्स, आप लोग को बनाना है जैसे बताएं उसी तरह से बनाना है। 1 इलेक्ट्रॉन से 1 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत तीव्रता क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत तीव्रता क्या होगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिएगा तब सवाल बनेगा, ठीक है। 1 प्रोटॉन से 2 सेंटीमीटर दूरी विद्युत तीव्रता क्या होगा, ये भी बनाना है आप लोग को। और तीसरा है सवाल, 1.6 × 10^-8 कूलम आवेश से 3 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत तीव्रता क्या होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग को समझ के बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम, 5 नंबर क्वेश्चन है, 2 × 10^-4 कूलम आवेश से होगा 18 मीटर दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा, 2 × 10^-4 कूलम आवेश से 18 मीटर दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा। विद्युत विभव निकालने का सूत्र होता है V = 1/4 pi epsilon naught q/r, V = 1/4 pi epsilon naught q/r, q आपको दिया है 2 × 10^-4 कूलम, r है 18 मीटर, तोड़ दीजिए V = 9 × 10^9 होगा ना, इसका मान क्या आता है 9 × 10^9, q का मान कितना आता है 2 × 10^-4 और r कितना है 18, काट दीजिए 9 × 2 = 18 और 18 कट गया ऊपर नीचे, 10^9 में से चढ़ गया 5, 10^5 वोल्ट, विभव का मात्रा क्या होता है वोल्ट। इस पर हम आपको 4 सवाल दे रहे हैं, आप लोग को बनाना है। 1 इलेक्ट्रॉन से 3 मीटर दूरी विद्युत विभव कितना होगा वो निकालना है, 1 इलेक्ट्रॉन से 3 मीटर दूरी विद्युत विभव कितना होगा वो निकाल लेना है। दूसरा सवाल है, 4 × 10^-6 कूलम आवेश से 9 मीटर दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा वो निकाल लेना है। तीसरा सवाल है, 1 अल्फा कण से 2 मीटर दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा वो निकाल लेना है। और चौथा सवाल है, 2 × 10^-11 कूलम आवेश से 2 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा वो निकालना है। 2 × 10^-11 कूलम आवेश से 2 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा वो निकालना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6th क्वेश्चन है, 27 पारे की छोटी बूंदों को 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया जाता है। 27 पारे की छोटी बूंदों को 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया जाता है। यदि सभी बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद का विभव क्या होगा। बड़े बूंद का विभव का सूत्र होता है, बड़े बूंद का विभव बराबर n^2/3 × छोटे बूंद का विभव। बड़े बूंद का विभव क्या होता है, n^2/3 × छोटे बूंद का विभव। एन क्या है तो 27, देख लीजिए 27 बूंद है ना, और प्रत्येक बूंद का विभव कितना है 10, छोटी बूंद का एक बूंद का छोटी बूंद का विभव क्या है 10,
तो बड़े बुन का विभव बराबर लिखेंगे 27 का पावर 2/3 गुना 10। 27 को हम 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, होल के पावर 2/3 गुना 10, 3 कट गया, 3 का स्क्वायर 9 गुना 10 कितना 90 वोल्ट। ये सूत्र आप लोग को याद रखना पड़ेगा, बड़े बूंद का विभव क्या होता है, एन का पावर 2/3 गुना छोटी बूंद का विभव। इस पर हम आप लोग को 2 सवाल दे रहे हैं, बनाना है आप लोग को। 1000 पारे की छोटी बूंदों को 5 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया जाता है, 5 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया जाता है, तो बड़े बूंद का विभव क्या होगा, वही सूत्र लगाना है, बड़े बूंद का विभव बराबर एन का पावर 2/3 गुना छोटे बूंद का विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक का विभव 8 वोल्ट है, 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक का विभव 8 वोल्ट है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, बड़े बूंद का विभव क्या होगा, वही सूत्र है, बड़े बूंद का विभव बराबर एन का पावर 2/3 गुना छोटे बूंद का विभव। डियर स्टूडेंट, आप लोग से आग्रह है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, गुड नाइट।